दिनोग्राम। मैं हूं आपका अपना होस्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर पाकिस्तान। उम्मीद करता हूं तमाम हालात खैरियत से होंगे। और आज हम जो है वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारा प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल देने के लिए आए हैं, लेकिन पहले हम आपको यूनिवर्सिटी का विजिट कराएंगे कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से हमारी दिखती है। और ये समझ लें माशाल्लाह टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है कराची के अंदर ना, तो इंशाल्लाह पूरा आपको यूनिवर्सिटी का विजिट भी कराएंगे और सब कुछ बताएंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक के देखती रहिएगा और सब कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में मालूम भी देंगे आपको कम्प्लीट। तो ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं, आज वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करते। तो भाई ये यूनिवर्सिटी जो है हम आपको दिखाएंगे कि ये जो है ना ये फार्मेसी की बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है ब्लू कलर की, ये हमारी फार्मेसी की बिल्डिंग है ठीक है। और ये साइड में जो पीछे आप देखते हैं ये पूरा बीएससी ब्लॉक वाली बिल्डिंग है, जहाँ बायोकेमिस्ट्री वगैरह की जहाँ पढ़ाई हुई है ना। तो पूरा कोशिश करेंगे पूरी यूनिवर्सिटी को कवर करें। आज एमएससी ब्लॉक जो है वो इससे पीछे की साइड पर है वहाँ पर, तो एमएससी ब्लॉक भी कोशिश करेंगे कि दिखा दें। बाकी ये लाइब्रेरी है, ये बाबा है उर्दू अब्दुल हक की यादगार कुतुब खाना है, इसको भी दिखाएंगे आपको, ये देखते हैं आप ठीक है। इसका यादगार कुतुब खाना है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से लाइब्रेरी बंद पड़ी हुई है क्योंकि आज यूनिवर्सिटी का टाइम जो थोड़ा ऑफ हो चुका है और हम लेट भी आएँ क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल 4 से 6 के अंदर है ना, तो इस वजह से। और वहाँ पर जो वो दूसरी वाली बिल्डिंग जो दिख रही है वहाँ पर वो डिपार्टमेंटल है, मैनेजमेंट की बिल्डिंग है, वहाँ पर कोई काम वाम हो तो आपको। ये जो है वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है जो आपको दिखा रहा हूँ, आप कितना अच्छा है इसका मंजर है। और ये फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ना, तो ये फमडी की बिल्डिंग है। और इसके अंदर इसके अलावा जो इधर है यहाँ पे सैलानी वाला है, यहाँ पे वाटर प्लांट भी लगा हुआ है बच्चों के लिए पानी पीने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये बीबीए की बिल्डिंग है साथ में ही उसके, और ये हमारे दोस्त वगैरह बैठे हैं प्रैक्टिकल के इंतजार में। नुमान भाई कैसा लग रहा है आपका यहाँ बैठ के? पहले से आराम है? क्या इंतज़ार कर रहे हैं नुमान भाई आप? नवान भाई कुछ बोल नहीं रहे, नवान भाई भी तो शर्मा गए। और ये इधर भाई हैं, ये छुपते हुए जा रहे हैं, देखते हैं इनका भी प्रैक्टिकल है, लेकिन इनको कुछ याद नहीं है आज ये फटे बना के लेके आए हैं। तो भाई चलते हैं, बीएससी की बिल्डिंग दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको और बीएससी की बिल्डिंग का विजिट कराएंगे कि बीएससी की बिल्डिंग किस तरीके से दिख रही है ना, उसी में से कुछ ना कुछ। ये इधर भाई देखे बड़े परेशान है पढ़ाई के हवाले से अपनी, और ये पढ़ने के लिए आए हैं आज। इधर भाई क्या पढ़ रहे हैं? प्रैक्टिकल है मेरे भाई, वो पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल है इनका, कुछ याद करके नहीं आया। तो भाई अभी लड़के की कॉल आई है, कह रहा है कि भाई मिस बुला रही हैं और आ जाओ प्रैक्टिकल के लिए, और प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं अब हम। तो वीडियो बनाएंगे, बीएससी ब्लॉक भी कवर करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल होगा वो भी दिखाएंगे आपको कि बीएससी ब्लॉक के अंदर प्रैक्टिकल स्टार्ट है या नहीं है। वैसे तो हमारी मिस ने कहा था कि 4:40 तक के होगा प्रैक्टिकल, लेकिन अभी जो वो जल्दी बुला लिया, देखते हैं क्या है और हम दिखाते जाएँगे आपको ऐसा ऐसा। और ये बीएससी ब्लॉक की बिल्डिंग आप देखते हैं, ये थोड़ी कंस्ट्रक्शन इसके अंदर चल रही है अभी भी, और ये देखते हैं आप कितना खूबसूरत इसका मनाजिर है। और ये बीएससी की बिल्डिंग यहाँ पे अक्सर बच्चे जो वो खेल रहे होते हैं, और ये बहुत अच्छा इसका पार्क है यहाँ का। और भाई ये दिखा रहे हैं आपको क्लासेस वगैरह यहाँ की, अभी जो क्लासेस ख़त्म हो गई हैं क्योंकि पेपर चल रहे हैं एग्ज़ाम, वरना यहाँ पर क्लासेस होती हैं बाकायदगी से। और कुछ क्लासेस हैं यहाँ पर क्लासेस होती हैं और कुछ पर नहीं होती। बाकी समझ लें आप यहाँ का जो बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट जिसमें हमारा एडमिशन है, समझ लें वो टॉप डिपार्टमेंट आता है यहाँ का बायोकेमिस्ट्री का, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती भी है और वहाँ पे जो बहुत अच्छी पढ़ाई भी है, लैब वगैरह परफॉर्मेंस सब कुछ होती है। समझ लें अगर कोई केमिस्ट्री लवर है तो उसके लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। केमिस्ट्री लवर से मैं ये कहूँगा कि अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर बीएस वगैरह करना है तो फेडरल यूनिवर्सिटी आप चूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टीचर्स जो है बहुत अच्छे हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, और केमिस्ट्री समझ लें आप यहाँ की बहुत औसम है, फॉर्म डी से भी अच्छी यहाँ की केमिस्ट्री है, और प्रॉपर यहाँ पे लैब भी होती हैं, प्रॉपर क्लासेस भी होती हैं। और देखें जो इसके बारे में रूमर्स वगैरह हैं कि जो है ना यहाँ पे जो है ना क्लासेस वगैरह नहीं हो रही, और देखते हैं हमारे दोस्त सामने खड़े हैं वहाँ दिला रहे हैं। और केमिस्ट्री लवर्स के लिए बेहतरीन है, जैसे मैं बता रहा था ना, जैसे ये बच्चे जो है हमारे मिल गए दोस्त वगैरह, और वो जो है ना अभी अभी जो है हम अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं ऊपर, कि उन्होंने क्या याद करा क्या याद नहीं करा पता करेंगे उनसे ना। आप यहाँ का पार्क देख सकते हैं कि नाजीनोग्राम पार्क जो है ना बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म का पार्क है। अच्छा ये जो गार्डन है ना अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें थोड़ी आप घास वगैरह नहीं है, लेकिन फेडरल की जो इंतजामिया है और जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे वो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से काम कर रही हैं, और इस यूनिवर्सिटी को 4 चांद लगाने में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना सबसे ज़्यादा हाथ है। तो भाई फाइनली जो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तलबा जो है वो ज़ाबता अखलाक की सख्ती से पाबंदी करें, अखलाक के ऊपर यहाँ पर बहुत जोर दिया जाता है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानब से ना।
तो भाई फाइनली जो है हम प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं। और भाई ये हमारी क्लास में देख सकते हैं आप, प्रैक्टिकल चल रहा है और प्रैक्टिकल के लड़के देखते हैं आप किसी तैयारी करना है भरपूर किस्म की, तैयारी चेक कर सकते हैं आप किसी भरपूर किस्म की हो रही है। ये मेहरबान भाई क्या हाल है, अमन चल रहा है, और असन भाई कैसा है, शौकीनों के हवाले से कुछ बोलेंगे मंडी के हवाले से, शौकीनों की हालत बुरी है इस वक्त मंडी के। और देवीला देखते हैं आप, देवीला भर रही भरा दिखाओ, देवीला भरा दिखाओ, देवीला भरा दिखाओ, ये देवीला भरा दिखाओ, ये भरने वाला नौजवान बेटा भाई साहब, बहुत गर्मी है, मयारी ताली वाला यही है, पैडल यूनिवर्सिटी नंबर वन यूनिवर्सिटी। अरे माशाल्लाह पढ़ाई कर रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। तो भाई फाइनली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल हमारा हो चुका है, और ये देवीला हमारा भाई हमारे साथ मौजूद है। प्रैक्टिकल कैसा गया देवीला भाई? तो भाई फाइनली प्रैक्टिकल ले गए, नमाज पढ़ के फारिग हुए हैं। नौमान भाई देखते हैं आप, नौमान भाई कैसे हैं, कैसा गया प्रैक्टिकल? नौमान भाई बेहतरीन हो गया माशाल्लाह, तो सबका प्रैक्टिकल अच्छा हुआ माशाल्लाह। तो अब फाइनली जो है वो अब घर की तैयारी हमारी, और नमाज वगैरह हमने सब ने पढ़ ली है, तो इंशाल्लाह अब घर की तैयारी करेंगे। और बस जेब की कमी है, इनको जेब की कमी है, वो अपने एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए गए हुए हैं। ये एक्स्ट्रा ये भी छोड़ दिया उसने, मजे की बात, नमाज पढ़ने भी छोड़ दिया, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। कुछ कहेंगे जेब के बारे में? उसकी फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास है 6 बजे, बस अल्लाह कामयाब करे उसको। जेब की जो है वो 6 बजे फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास है, जेब जो है वो गया हुआ है इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास देने के लिए। बहरहाल ये डीपली बातें ये सिर्फ हमें समझ में आएंगी, बाकी किसी को नहीं आएंगी, लेकिन इसके अंदर हम वीडियो के अंदर ऐड रखेंगे इसको। बहरहाल फिलहाल नमाज कर वगैरह पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, और आप घर की तरफ रवानगी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो कैंडली लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारा हौसला बढ़ाएगा। और इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट जो है ना हम आपको यूनिवर्सिटी के हवाले से और भी चीज़ें दिखाएंगे, डिपार्टमेंट वगैरह दिखाएंगे इसके, कि डिपार्टमेंट वगैरह यहाँ पर कैसे बने हुए। तो इसी के साथ मोहम्मद अब्दुल्ला को दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।